बट मैं आपको ये कहूं कि आपकी प्रिपरेशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपके एग्जाम में जो अंक है वो बेहतरीन आने वाले हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? आप सोचोगे क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बोलता हूं बेटा, हाँ ये पॉसिबल है। वो कैसे सर? विथ गुड राइटिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन। आप एग्जाम के अंदर अपने आंसर को कैसे फ्रेम करते हो, कैसे लिखते हो, कैसे आंसर देते हो, वो डिसाइड करता है कि आपको एग्जाम के अंदर कैसे अंक, कितने अंक जो है मिल रहे होते हैं। जिस बच्चे की एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, उसके अंक जो एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, बढ़ते जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चे, हमने बात कर रहा था कि भाई जो टिप्स है, जो तरीके हैं एग्जाम में, हमको जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको कैसे इनहेंस करेंगे, कैसे बहुत अच्छे से लिखेंगे जिससे हमारे जो अंक है एग्जाम के अंदर वो यहां से लेकर जो यहां तक मिला है, मतलब कि बेटा आपको एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छे अंक आपको मिल पाए, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ये वीडियो बेटा, अगर जो बच्चे नहीं देख पाएंगे ये वीडियो जो है, अगर जो बच्चे नहीं देख पाएंगे तो उसको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसे जो है प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा जहां जो है बच्चे जो बहुत जो है यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम कैसे करेंगे, कैसी चीजें होगी, इसके बारे में बात किए हुए। क्लियर है बच्चे? तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब देखते हैं, बात करते हैं। तो ये वीडियो ना बेटा बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद बनने जा रहा है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों से बात किया, उनकी प्रॉब्लम जानने की बात कोशिश की, है ना? उसके कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो सारे बच्चों को नहीं करनी चाहिए, ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात की। तो बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद कुछ एक बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या है ना, मैं ना बहुत स्लो लिखता हूं, मेरी जो राइटिंग स्पीड है बहुत स्लो है, इसकी वजह से मेरे जो अंक है शायद मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा जहां तक मेरे को जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो हो सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर एक हो गया। जब प्रॉब्लम के बारे में और जाना तो हमको ये पता चला कि किसी एक और बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या है ना, मेरी हैंडराइटिंग ना बहुत गंदी बनती है, मेरी हैंडराइटिंग जो है बहुत गंदी बनती है, शायद इसी वजह से ना जो चेक करते हैं उनको पसंद नहीं आता, मार्क डिटेक्ट कर देते हैं। तो मैंने बोला हाँ भाई सही, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो ठीक है, हो सकता है ये प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों का ही प्रॉब्लम है ये, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे बच्चा, ठीक है, सबर करो, थोड़ा सा बात करेंगे। जब और बच्चों से बात किया अपन ने, बात करने से हमको ये पता चला कि सर हम जब लिखते जाते हैं ना तो हमारे जो स्टार्टिंग के जो 8-9 क्वेश्चन रहते हैं वो तो बहुत अच्छे से लिखते हैं अपन, बहुत अच्छे से लिखते हैं, बहुत सुंदर सदा से जाके, लेकिन लास्ट के क्वेश्चंस तक आते आते हमारे जो आंसर राइटिंग होती है, जो लिखने के जो तरीके होते हैं वो बहुत बदल जाती है, मतलब गंदी राइटिंग हो जाती है, वहां पे हमको समझ नहीं आता हम क्या लिख दे रहे हैं उधर। तो होता है ये सारी तो प्रॉब्लम जो है बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चे? तो ये प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम बच्चे, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए बात करने वाले, ठीक है बच्चा? अब ये प्रॉब्लम थी, अब इसको सॉल्व करना भी तो जरूरी था। तो सॉल्यूशन के लिए अपन ने जो है क्या किससे बात की कि जो हमारे एग्जाम पे जो पेपर चेक करते हैं आपकी, कुछ ही टीचर से हमने बात की और उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे की जो हैंड राइटिंग होती है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंड राइटिंग डजंट मैटर, हैंड राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंड राइटिंग जैसी भी हो क्लियर दिखनी चाहिए, जो वहां पे बोला गया है, जो लिखा गया है वो क्लियर रहना चाहिए। तो बच्चे तो सोचते हैं ना कि हैंड राइटिंग बहुत बेकार बन रही है सर, मेरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बच्चे ये देखो, जिनके हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार बन रही ना, जो समझ ही नहीं आ रहा, तो थोड़ा बहुत तो भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां पे, ठीक है? लेकिन जिनके जो है थोड़ा समझ में आ जाती है तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होगी। भैया आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, आपकी हैंड राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बच्चा? तो आप लोग जो है अच्छे से बस आंसर की फ्रेमिंग करना सीख जाओ, क्लियर है? तो वहां पे जो सर थे उन्होंने बताया कि जो आंसर राइटिंग है, ठीक है, वो मैटर करता है, ना कि भैया हैंड राइटिंग। हम उसी आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं कि जो हम कैसे आंसर लिखें जिससे हमको बहुत अच्छे से जो है अंक वहां पे मिल पाए, क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आया? तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जब हम बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं कि सिक्वेंस में नहीं लिखते चीजों को, मतलब कि कभी जो एक क्वेश्चन नंबर एक अटेम्प्ट कर दिए, कभी जो 20 अटेम्प्ट कर दिए, 25 में चले गए, फिर जो है 3 पे आ गए, तो वो सिक्वेंस में नहीं लिखते। इससे क्या होता है बेटा, जो चेकर करते हैं, जो चेक करते हैं, उनको तो इरिटेशन होती है। अब इरिटेशन होगी तो नंबर तो डिटेक्ट करेंगे, खोजेंगे कहां पे जो है गलतियां कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेजेंटेशन रखो, ऐसे जो है आंसर शीट बनाओ
जहां पे बच्चा जो टीचर है वो देखे और आपको खुश होकर नंबर दे दे, तो आपकी प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग स्किल ही मैटर करती बेटा। एग्जाम बोर्ड की एग्जाम की बात चल रही है, क्लियर है बच्चे? तो ये सारी चीज पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिप्स बच्चे आपको मैं कुछ देने वाला हूँ, वो टिप्स भैया अभी तक जो है कोई भी नहीं बताया हुआ, तो वो टिप्स आपको याद करके रखना है। ये टिप्स जो है मैंने अपने एग्जाम्स के अंदर जो है यूज किया हुआ है, कैसी चीजें लिखते हैं करके, समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब बात करते हैं। देखो बच्चे, हम जब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे होता क्या चीज है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो स्टार्टिंग के आंसर्स को लिख देते हैं, लास्ट के आंसर्स को लिखने के लिए हमारे पास कम टाइम बच जाता है। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो लास्ट के आंसर्स हैं उसको पहले कर ले, जो हमारे बड़े बड़े जो आंसर्स हैं उसको पहले कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, जो हमारे सिक्वेंस में जा रहे हैं तो लास्ट के जो आंसर्स है, ठीक है, लास्ट के जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसके जो स्पेसिफिक जो पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उसको तो क्या करना बेटा, आंसर शीट के लास्ट के पेजेस में, लास्ट के पेजेस में क्या कर देना, नोट करके लिख लेना, जिससे जब उस क्वेश्चन पे आओगे ना आपके पास कम टाइम भी रहेगा, तो वही सिर्फ पॉइंट क्या करके स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग के ऊपर और चीजें नहीं आएगी। आप फील भी किए होंगे जब आप क्या करते हो एग्जाम में बैठे रहते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें लिख लिए रहते हो, बहुत सारी आपके दिमाग में रहती चीजें, कभी कोई रिएक्शन घूम रहा है, कभी कोई चीजें घूम रही है, तो बहुत सारी आपके दिमाग में चीजें जो घूमती रहती, तो आप क्या करते हो वहां पे कुछ चीजें लिखने तो चाहते हो लेकिन कुछ दूसरा लिखा जाता है, फिर क्या करते हो उसको कट करते हो, फिर उसको कट करते हो। अब कट करने से क्या दिक्कत होती है, कट करने से दिक्कत नहीं भाई, कट करने से यह दिक्कत हो जाती है कि आप जो उसको टाइम दिए हो ना लिखने में वो वेस्ट हो जाता है। मान लो 10 मिनट का टाइम दे रहे, तो वो 10 मिनट आपका वेस्ट हो गया ना, तो ये काम नहीं करने का। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखिएगा कि कैसे चीजें होती है, क्या करना होता है, क्या हमको जो बनाना है, सब कुछ करना पड़ेगा, समझ में आया बेटा? तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक काम ये कर सकते हो बच्चे, जब आप आओ, ठीक है, जब आप आओ तो यहां पर बात करना, जब आप जो है मान लो, हाँ एक ऐसा सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, जब आपके पास लगभग 10 मिनट हो, क्या बच्चे लगभग 10 मिनट, ठीक है, लगभग 10 मिनट एकदम, इस 10 मिनट में आपको जो लास्ट के दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लास्ट के जो है दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो है पांच पांच अंक के हैं, कितना बेटा, पांच पांच अंक के क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो हड़बड़ी में, तो आपके पास सिचुएशन कैसे बनती है, ध्यान से सुनना, तो आपके पास सिचुएशन ये बनती है, जो पहला वाला क्वेश्चन है या फिर इसको अटेम्प्ट करो 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में इसको अटेम्प्ट करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर दो, इससे क्या होगा आपके एक क्वेश्चन छूट जाएगा और आपको जो है पांच नंबर का लॉस हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को अटेम्प्ट करो लेकिन आधा अधूरा, उससे क्या होगा आपको एक नंबर मिलेगा, इसमें इसमें दो नंबर मिलेगा, और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, तो ये गलती नहीं करने का, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, मैंने सारे सिचुएशन के ऊपर बात की बेटा, इसके ऊपर भी बात करता हूं। देखो जब आपके पास 10 मिनट हो तो मान लो कि भाई आप क्या कर रहे हो, एल्डिहाइड का संरचना बना रहे हो, एल्डिहाइड का क्या कर निर्माण कर रहे हो, केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री का टीचर हो तो केमिस्ट्री के ऊपर बात करता हूं, ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो आप एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ा रहे हो मतलब बता रहे हो, अब उसके अंदर पांच अंक क्वेश्चन आ गए, तो वहां पे आपके पास टाइम भी कम है और दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो आप, एक चार्ट बना सकते हो, क्या बेटा, आंसर चार्ट, जिसे मैं बोलता हूं आंसर चार्ट, ठीक है, आंसर चार्ट बना सकते हो। इस चार्ट में लिखना कैसे बेटा, ध्यान से इस तरीके से आप जो क्या बना सकते हो, एक चार्ट बना दो। इस चार्ट बनाने से क्या होगा, आप जितने भी आंसर लिखना चाहते हो, जितने भी पॉइंट लिखना चाहते हो, उस पॉइंट के अंदर लिख दो, जिससे क्या होगा जो पॉइंट था एग्जैक्ट वहां पे बात करोगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा बेटा आपका ये जो है लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत सही रहेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से बात करोगे। यहाँ पे आप रिएक्शन लिखना चाहते हो रिएक्शन लिख सकते हो, डिफरेंस करना चाहते हो डिफरेंस कर सकते हो, तो सब कुछ हो जाता है यहाँ से। तो आप इस तरीके से ये जो पैटर्न है बेटा इसको आप लोग अपना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या बनते हैं आंसर चार्ट जो है बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाओ, कैसे लिखते हैं आंसर चार्ट, समझ में आया बच्चा? तो इस तरीके से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसको कैसे लिखते हैं, कैसी चीजें होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी और बात करेंगे। अगर जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बेटा, वो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे और पूछेंगे कि क्या चीजें हो रही है इसकी जिंदगी में, क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, सब वहां पे बात कर सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही बेटा, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब टिप के ऊपर बात करते हैं। ये तो खैर हुई बेटा, बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी, हम प्रॉब्लम के ऊपर बात किए, अब बच्चे इसके सॉल्यूशन, अब यज्ञ के ऊपर बात करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देखा। ये आपको जो है एक जो है आंसर शीट दिख रहा है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा बेटा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लो एक लाइन को मैं पिक किया, एक लाइन को पिक किया, ठीक है, सॉल्यूशन बताता हूं, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, एक लाइन को मैंने पिक किया जिसमें क्या था, नदियों की जल में मिट्टी और रेत के ऋण आवेशित कोलाइडिक कण होते। अब यहां से सपोज करो कि भाई आपने क्या कर दिया, एक लाइन गलती कर दी, एक लाइन की गलती कर दी, तो आप क्या करते, बहुत सारे बच्चे इस लाइन को ऐसे कट कर, इस वर्ड को ऐसे कट करोगे,
अब ऐसा जब कट करूंगा बेटा तो मेरे को क्या होगा, ये जो लाइन मैंने कट किया है, जो वर्ड मैंने कट किया है, ये हाईलाइट हो गया। मतलब कि बेटा आप कितनी भी अच्छी चीजें लिख दो, बोलते हैं ना कितनी भी अच्छी चीजें करो लेकिन जो गलती होती वही नजर आती है। सेम यहाँ पे बेटा, आप कितने भी अच्छे जो है चीजें लिख दो लेकिन जो गलती की हो अगर इस तरीके से उसको जो है गोदागाजी कर दिया, मतलब कि बेटा यहाँ पे अगर आपने गोबर कर दिया, ठीक है गोबर की तरह दिख रहा है बेटा, ठीक है अगर आपने गोबर कर दिया ठीक है, तो हमारा जो आंसर शीट बहुत ही गंदा लगने लग जाता है। तो आपको एक गलती नहीं करनी, आपको सिर्फ बेटा क्या करना है, एक लाइन में कटिंग करनी, एक लाइन में कटिंग करनी, क्लियर है, एक लाइन में कटिंग करनी और कुछ नहीं करना है, समझ में। और एक चीज आप कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपको एक थ्योरी टकल, एक हमारे बेटा एक थ्योरी का आंसर होता है, एक न्यूमेरिकल आंसर, जब आप केमिस्ट्री के ऊपर जाओगे तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक थ्योरी देगा एक न्यूमेरिकल देगा, और मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। तो मान लो वहां पे थ्योरी और न्यूमेरिकल को जो है आपको चूज करना, तो आप हमेशा बेटा ट्राई करना न्यूमेरिकल चूज करो, न्यूमेरिकल चूज करो। क्यों न्यूमेरिकल? क्योंकि न्यूमेरिकल भाई छोटे होते हैं, बहुत छोटे होंगे, उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा थ्योरी के कंपैरिजन में, और उसको जो है सॉल्व करने से आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएंगे। लेकिन थ्योरी में बहुत सारी गलतियां होती है और बहुत सारा लिखना भी होता है, इसी वजह से बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, यहाँ से टाइम भी कंज्यूम बहुत कम होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब टिप के ऊपर बात करते हैं बेटा, ये तो कुछ सॉल्यूशंस हुए, अब टिप के ऊपर बात करते हैं कि आखिर हमको कौन कौन से जो है जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हमको करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें हमको नहीं करनी चाहिए। ध्यान देखना बच्चे, एकदम ध्यान सुन रहे, सारी बहुत महत्वपूर्ण बातों के ऊपर मैं गौर करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो डरने की बात नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने की बात नहीं है, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करने का, अपने पे बिलीव रखो, अपने पे बिलीव रखो, विश्वास रखो, आप कर लोगे, समझ रहे हो भाई। कुछ नहीं करना है आपको, बस पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो। नेवर कंपेयर योरसेल्फ, क्या बेटा, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है। कंपैरिजन करोगे तो क्या दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ, फील कराता हूँ आपको। जब आप किसी एक स्टूडेंट से पूछोगे, एक बार अपने दोस्त से पूछोगे, वो पूछेगा भाई कितना पढ़ा है, वो पूछेगा कितना पढ़ा है, ठीक है, तो तुम बोलोगे यार कुछ नहीं पढ़ा, वो बोलेगा फिर मैं तो पूरा कंप्लीट कर लिया यार केमिस्ट्री, पूरा बहुत चार दिया मैंने केमिस्ट्री को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उस तरीके से डिमोटिवेशन हो जाएगी, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका मोरल डाउन हो जाएगा, अरे यार इसने तो पूरा पढ़ लिया, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बेटा, आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना, वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, आप अपने लेवल को तो आप क्या करो, अपने लेवल को इंक्रीज करो, चीजों को समझो, पढ़ो, क्यों नहीं होगा भाई, हो गया था सब, तो किसी से कंपैरिजन करने की नीड नहीं है। दूसरी चीज मैं गिनाता हूं, अगर आपका एक दोस्त जो है अभी कुछ नहीं पढ़ा है और आप थोड़ा बहुत पढ़ ली, तो आप क्या सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो भैया इनसिक्योर फील करोगे, जब एग्जाम में बैठोगे ना तो चीजें नहीं आएगी, तो आप इनसिक्योर फील करोगे, तो क्यों ओवर कॉन्फिडेंट होना, किसी से कंपैरिजन क्यों करना, नहीं करना भाई, जो आता है उसमें बहुत बेहतरीन करेंगे अपन, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके रखनी, पहली बात। दूसरी बात के ऊपर बात करते हैं, जब आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो बहुत गलती करते हैं, जब वो जो है उनके पास टाइम रहता है तो वो क्या समझते हैं कि हम ये चीजें क्यों पढ़े, मतलब कि मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो बच्चा, जो है दो बार उसको पढ़ चुका होगा, अब दो बार पढ़ चुका है तो एग्जाम उसके जो कल है, तो उसको लगता है कि वो रिवाइज ना करें, उसको रिवाइज ना करें, रिवाइज ना करें, रिवाइज ना करें, वो क्या सोचता है कि इसको तो मैं कर लिया हूं, इसको बार बार क्यों करूं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। फिर एग्जाम में बैठने के बाद उसको कुछ याद नहीं रहता, उसके एग्जाम में बैठने के बाद कुछ याद नहीं रहता, तो ये गलती नहीं करनी है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है बेटा, जस्ट क्या करना है, एग्जाम से एक दो दिन पहले आपको ये सोचना है कि आपके पास कुछ बहुत कम टाइम है और आपको बहुत सारा पढ़ना है भाई, अभी कुछ नहीं पढ़े हो आप, ये सोच के बैठना है, कुछ नहीं पढ़े मेरे को पढ़ना है, और एग्जाम के जो है एक घंटे पहले ये जब अपने दिमाग में माइंडसेट बनाना है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं लिख दूंगा उधर जाके जो आंसर आएगा सब अटेम्प्ट कर दूंगा मैं, तो आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए बच्चा। तो ये फंडा आप लोग बहुत अच्छे से अपने जो है स्टडी लाइफ में अपना सकते हो, क्लियर है सारे बच्चों को। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, कैसे हमको जो आंसर लिखनी चाहिए, कैसे हमको जो फ्रेमिंग करनी चाहिए आंसर्स की, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चे ध्यान समझना, ठीक है, अगर मैं बच्चे इसी आंसर को ही ऐसे लिखूं, इसी आंसर को ही ऐसे एक डब्बे में लिखूं बेटा, ठीक है, आंसर की फ्रेमिंग करता हूं, ध्यान सुनना यहां बेटा, अगर मैं ये आंसर नंबर वन क्या है, दो है, सपोज करो कि ये मेरा आंसर दो है, तो इसको मैं लिखूंगा उत्तर क्रमांक, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा,
देखो समझो कि इस तरीके से मैंने एक ब्रैकेट बना के, नहीं एक जो स्क्वायर बना के, डब्बा बना के इसको आंसर नंबर दो को मैंने हाईलाइट कर दिया, कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा सोचो आप। इस तरीके से हमको एग्जाम में लिखना होता है। अब यहाँ पे ऐसे भी गोलाबाजी नहीं करना अपन को, ठीक है, हमको इसको तो एकदम क्लियर तरीके से लिखना, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा था मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे मैं मिट्टी लिखा था, इसको मिट्टी लिख देता हूँ। चलो हमको एकदम क्लियर तरीके से ऐसे लिखना होगा। जब हमारा ये आंसर जो है खत्म हो जाएगा, लिख लेंगे पूरा, तब हमको क्या करना है बेटा, हमको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना, हमको करना होगा स्पेसिंग, मतलब बेटा यहाँ पे स्पेस बना के ऐसे जो है एक लाइन खींच दे, क्या बेटा ऐसा एक स्पेस लाइन। अब इसके बाद नीचे एक और आंसर लिख सकते हो, या फिर नेक्स्ट पेज में लिखना था तो नेक्स्ट पेज में लिख सकते हो। लेकिन कहने का मतलब बेटा, जो आप आंसर लिखोगे वहां पे एकदम जो है निश्चित तौर पे गैप होना चाहिए, जिससे जो है जो चेकर है, जो चेक करते हैं, उनको जो है स्पष्ट समझ आए चीजें, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं डायग्राम के बारे में, ठीक है। डायग्राम देखो बच्चे, जब भी एग्जाम में कोई डायग्राम आता है ना, डायग्राम, चित्र, मानचित्र, जो भी आता है, ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, स्पष्ट लिखना है, स्पष्ट लिखना है। क्यों स्पष्ट लिखना है, ठीक है, क्यों स्पष्ट लिखना है, क्योंकि इसी से आपके बहुत अच्छे अंक आ रहे होते हैं। सपोज करो आप जो है एग्जाम के अंदर इतना छोटा सा क्या करते हो, एक डायग्राम बनाते हो, इस डायग्राम को छोटे से इतने से डायग्राम बनाओगे ना, उसको करने में भी आपको 10 सेकंड लगेगा, इतना बनाओगे तो भी 10 सेकंड लगेगा, इतना भी बनाओगे तो भी 10 सेकंड लगना है, छोटा बनाओगे तो भी 10 सेकंड लगेगा, तो छोटा क्यों बनाना भाई, बड़ा बनाओ, अच्छे से लिखो। ऐसा आप डायग्राम है तो उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे जो है कर दो, एक स्क्वायर के अंदर रख दो, और ऐसे एक एक करके भैया क्या करना है, इंडिकेट करना है, क्या एक करके इंडिकेट करना है। ये हमारी क्या होती है, हैबर प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग यूज करते हैं जो भी जो है कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, सब कुछ इंडिकेट करो उधर, तभी तो बहुत बेहतरीन अंक मिलते हैं उससे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अंक वहां से मिल रहे होते हैं। और एक और बेहतरीन चीज बच्चे, जब आप लिखो तो यहाँ पे चित्र का नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे चित्र का नाम लिखना, अगर हैबर विधि बता रहा हूँ तो हैबर विधि लिखो, ओस्टवाल्ड विधि बता रहा हूँ तो ओस्टवाल्ड विधि लिखो, लिखो ना भाई, तभी तो बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो आप इस तरीके से जब लिखोगे, इस तरीके से अपने जो आंसर को प्रेजेंट करोगे, तो आपके अंक जो है कहीं से कटने वाले नहीं है, ठीक है, आपके अंक जो है फर्श जो है फर्श से फर्श तक चले जाएंगे। अगर आपको जो है आपको लग रहा होगा एक्सपेक्टेड अंक जो है लग रहा होगा कि आपको 60 अंक मिलने वाले, तो उसके जगह में भैया 65 अंक मिल सकते हैं या फिर 68 अंक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, अगर आपकी आंसर राइटिंग, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है तो। समझ आया बेटा? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने जो है आंसर राइटिंग को इनहेंस करो, प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है थोड़ा सा, पढ़ो, सारी चीजें पढ़ दो, जो भी आता है बेटा सब कुछ कर दो। समझ में आए प्यारे बच्चे? तो ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक और जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सर बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या है ना, कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, है ना, कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, कितना हमको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, बुक से पढ़े कि कोई गाइड ले लें, ऐसे दिमाग में आता है। सर क्वेश्चन जो है हार्ड आने वाला है क्या इस बार, कि सरल आएगा, कि एवरेज आ जाएगा? तो ये सब बच्चे क्या होते हैं, इसके किससे बताता हूँ मैं, कोई भी एक बोर्ड होता है ना, कोई भी एक बोर्ड होता है, वो अपना पहला पैटर्न बता देता है कि इतने परसेंट जो है हार्ड क्वेश्चन आएंगे, इतने परसेंट जो है एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहां पे होता है कि मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, हमको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इस 10 क्वेश्चन में मानो कि अगर मेरे को जो है 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन हार्ड मिल रहे हैं, 5 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, मेरे को 3 क्वेश्चन जो है एवरेज मिलेंगे, और मानो कि 2 क्वेश्चन मेरे को क्या मिल रहा है, जो है स्लो सिंपल मिल रहा है, ठीक है, इजी मिल रहा है मेरे को, तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अगर एक बच्चा क्या करता है, एक बच्चा, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अगर हमको 3 सेट बनाना होता है, तो अगर एक बच्चे की ए वाले बच्चे के में वो पहले हार्ड क्वेश्चन आ जाए, पहले 5 हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको बच्चा बैठा एग्जामिनर सेंटर पे और उसको सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अरे यार हार्ड है, नहीं बन पा रहा, 2 सॉल्व किया वो भी नहीं बन पा रहा, 3 सॉल्व किया नहीं बन पा रहा, उसका मॉरल वहीं पे डाउन, आत्मविश्वास वहीं से खो देता है। तो ये नहीं करना है बच्चे, वो दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है, आपको हिम्मत जो है बना के रखनी है, अपने विश्वास रखना, सब कुछ सॉल्व कर दोगे आप। अब कोई बच्चे जो है, तो ये ए वाला बच्चा क्या बोलेगा, सर बहुत पेपर हार्ड आया था, नहीं बन पाया मेरे से, तो इसका मॉरल भी डाउन हो गया, जो बनना था वो भी नहीं बन पाया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब बी वाला क्या बोलेगा, इसके जो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन है एवरेज वाले वो मिल गए, तो बोलेगा थोड़ा तो हार्ड था यार, थोड़ा सिंपल भी था, थोड़ा हार्ड था। अब जो सी वाला बच्चा बोला वो क्या करता है, अरे बहुत ईजी आया था ये तो, क्योंकि उसको जो है पहले के जो 2 क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चन, ये यही सीक्वेंस में मिला, उसको थोड़ा सा इजी लगा चैप्टर। तो अलग अलग जो है बच्चे के हिसाब से, अलग अलग जो है उसके नॉलेज के हिसाब से ये सारी चीजें होती रहती है, लेकिन बोर्ड एक जो है पैटर्न को फॉलो करता है।
समझ रहा है, इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना। अगर आपसे चीजें नहीं बढ़ रही है तो आप शांति से भैया क्या करना, एक गिलास पानी पीना बेटा, शांति से एक बार सोचना कैसी चीजें होती है, और सारे पैटर्न को फॉलो करते रहना, सारे जो टिप्स है उसको फॉलो करते रहना। समझ में बच्चे आपको कैसे चीज लिखनी, कैसे क्या चीज करनी होती है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इतनी सारी सर आपने इतनी सारी प्रॉब्लम तो बता दी, इसका कोई सोल्यूशन है तो उसी सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं बेटा। इसका एकमात्र सोल्यूशन हम बात कर सकते हैं, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो अपने मम्मी पापा के जो है पैर पड़ते हो, प्रणाम करके जाते हो, तो प्रणाम जब करते हो तो मम्मी पापा आपको बोलते होंगे, माता पिता बोलते होंगे, बेटा जो क्वेश्चन बने ना, जो क्वेश्चन तुमसे बनता है पहले, वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना। बोलते हैं ना बच्चे, बोलते हैं ना कि हमारे जो माता पिता होते हैं वो पहले जो गुरु होते हैं, तो एक्चुअली हमारे गुरु होते हैं वो बोलते हैं ना हमको, पहला जो क्वेश्चन होगा, जो पहला आपसे जो बने वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है। तो यही ट्रिक आपको अपनानी बेटा, जो आपसे पहले बनते हैं, जो आपसे पहले सॉल्व हो पाए, इसको क्या करना है बच्चे, आपको पहले निकालना है, पहले उसको जो है सॉल्व कर देना, उसके बाद बाकी योग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो, जिससे बच्चे आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, तैयारी हो सकती है, और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे आपका अंक जो है आ सकता है। इसी के ऊपर बच्चे हम लोग जो है पूरी के पूरी तरीके के ऊपर बात के लिए, कैसी चीज होती है, क्या चीज हमको समझना होता है, बस बच्चे आप शांति से एकदम हार्डवर्क करके भैया पढ़ते रहिए, आपके पास टाइम है अभी थोड़ा सा, ठीक है, मान रहा हूं अभी बहुत कम टाइम है, लेकिन टाइम है। अपनी पढ़ाई को बच्चे आप बहुत जो है लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो, समझ रहे हो, आपकी जो है छुट्टियां जो है बहुत है, काफी है छुट्टियां बच्चे, आप छुट्टियों में भी बहुत पढ़ाई कर सकते हो, समझ में आ रहे बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग पूरा अपने जो तरीके थे उसको हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अब बच्चे जिन बच्चों को ये वीडियो लेक्चर, ये जो चीजें हैं पसंद आई होगी, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, जिससे वो बच्चे भी क्या कर पाए, रिलेट कर पाए अपनी प्रॉब्लम्स को, और जो उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेगा, अपने जो है फैमिली मेंबर तक शेयर करेगा, और जो बच्चा यहाँ पे जो है नया होगा, प्लीज बच्चे वो क्या कर दे, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमको भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो लेके आ पाए। और आपको जिस टॉपिक के अंदर बेटा दिक्कत आ रही है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जाते जाते बेटा एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, ध्यान सुनना बेटा, जाते एक चीज, ठीक है, जो हमारी टीम अभी से पूरा ओवरऑल बेटा वो क्या किए हैं, पूरा जो यूट्यूब पे सारे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। अब बच्चे यूट्यूब पे आसान साथ हमारा क्या बेटा, एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में जब आप सर्च करोगे अभिप्सा के नाम से, तो अभिप्सा का एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना प्यारे बच्चे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वहां पे कुछ कोर्सेज आएंगे, ठीक है, उस कोर्सेज के मैं प्राइसेस बता देता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे जो अभिप्सा में कक्षा 9वीं से जो है कक्षा 12वीं तक की जो है पढ़ाई जो है कराई जाती है बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, वो आपने देख ही लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 9वीं और 10वीं के जो कोर्सेज है बेटा वो क्या कर दिए हैं, बहुत ही जो है कम प्राइस में, जो पहले 3300 के आसपास था, ठीक है, वो क्या कर दिए हैं, 1250 रुपए कर दिया गया है, सिर्फ आपके लिए बच्चे, सिर्फ आपके लिए जो है 1250 किया गया 9वीं और 10वीं प्यारे बच्चों के लिए। और जो 11वीं और 12वीं के मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो हमारे पीसीएमबी के हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के फील्ड के हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए जो हमारे कोर्स की प्राइस पहले जो है, ठीक है, पहले जो है 4650 रुपए थी, 4650 रुपए थी, वो जो है कम करके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यारे बच्चे क्या कर दिया है, 2500 रुपए कर दिया गया है, 2500 रुपए कर दिया है, 2500 रुपए कर दिया गया है। और जिसको इंग्लिश के अंदर थोड़ी दिक्कत होती है ना भाई, इंग्लिश हमको समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश हमको जो कुछ नहीं आ रही, वो तो आप लोग देख चुके हैं, रमेश निशा सर को देखे हुए, तो बच्चे वहां पे जो हमारी इंग्लिश की क्लासेस है वो मात्र 499 रुपए में आपको मिलने वाली है। तो जाइए बेटा आप लोग क्या कीजिए, अभिप्सा का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्सेज जो है परचेस कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से बच्चे क्या कीजिए, हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे हम लोग यही वीडियो लेक्चर जो बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करते हैं। तो अभी के लिए बच्चे जाओ, आप लोग पढ़ते रहिए, बाय बाय, धन्यवाद।